हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 66, जहां पर हम देखेंगे लेट का एक्टिव और लेट का पैसिव कैसे बनाया और बोला जाता है। फ्रेंड्स, इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लेट का एक्टिव पढ़ना हमें बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लेसन नंबर 64 में मैंने आपको लेट का एक्टिव बताया है, जहां पर मैंने लेट की हिंदी क्या होती है, कैसे उसके सेंटेंस बनाए और बोले जाते हैं, वो मैंने आपको सारी चीजें डिस्क्राइब की है। तो पहला काम आप ये कीजिए कि आप लेसन नंबर 64 को देखिए और उसके बाद इस लेसन को वॉच कीजिए, आपको सारी बातें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि लेसन नंबर 64 में मैंने आपको बताया कि लेट का मतलब होता है कि आप दो या फिर दीजिए, यानी यहाँ पर एक परमिशन का सेंस आता है कि मुझे ऐसा काम करने दो या फिर मुझे ऐसा काम करने दीजिए। अगर बात एक्टिव की हो रही है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था, लेट, और इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या रखना था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, मी, हिम, हर, देम, यू, ये सारी चीजें, यानी लेसन नंबर 64 को वॉच करना बहुत ही जरूरी होगा, ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या रखा, लेट, उसके बाद क्या रखा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर हमने क्या रखा यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद देखिए फिर से मैंने वहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना है, और इस ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है, और किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ सकता है। तो माइंड कीजिए, अगर मैंने आपसे कहा होता लेट मी प्ले फुटबॉल, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि मुझे फुटबॉल खेलने दीजिए। अगर मैं आपसे कहता लेट मी टीच इंग्लिश, तो हिंदी क्या निकलती, कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दीजिए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट मी पनिश हिम, तो हिंदी क्या निकलेगी, कि मुझे उसे सजा देने दीजिए। तो आपने सेंटेंस को ध्यान से सुना, मैंने यहाँ पर क्या यूज किया आपकी बार, हिम, तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है और किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। और ये क्या था, हमारा एक्टिव था। अगर इसको मुझे पैसिव बनाना होता तो हमें सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, लेट। इस लेट के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है। माइंड कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले लेट को तो ऐड करना ही है, यानी इस लेट को कॉपी कर देना है। इसके ठीक बाद जो आपको दूसरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था उसको लेट के ठीक बाद रखिए, फिर आपको यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, बी, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसको थर्ड फॉर्म में बदल कर लिख दीजिए। इसके आगे ठीक आपको क्या रखना होगा, बाय, और बाय के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट था, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कह रहे थे, उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो आपने देखा ये था हमारा एक्टिव, और इसको पैसिव बनाने के लिए हमने किस स्ट्रक्चर का यूज किया, इसको, बस आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर देना है, आपका पैसिव बन जाएगा, कोई भी चीज आपसे गलत नहीं होने वाली। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट मी प्ले फुटबॉल, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो कि किसका है, एक्टिव का है। अगर मुझे इसे पैसिव बनाना होगा तो मुझे सबसे पहले क्या कॉपी करना है, इस लेट को कॉपी कर देना है। ये देखिए मैंने कर दिया इस लेट को कॉपी। अब हमें रखना है क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा क्या, पहला ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इस लेट के ठीक बाद हमें यहां पर क्या रखना होगा, फुटबॉल, ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब हमें क्या रखना है यहाँ पर, बी, तो बी को ऐड कर दीजिए। फिर क्या रखना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर क्या थी, प्लीज, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लीज, और इसके ठीक बाद क्या आ जाएगा, बाय, और बाय के बाद हमारा पहला ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि क्या था, मी, उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, और सेंटेंस क्या बना, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय मी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट हिम टीच इंग्लिश, तो ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, एक्टिव का हो गया, और इसकी हिंदी क्या होगी, खुद से अंग्रेजी पढ़ाने दो। अगर मुझे इसे पैसिव करना है तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, लेट, तो लेट को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इस लेट के ठीक बाद में क्या रखना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर कौन थी हमारी, इंग्लिश, तो इस इंग्लिश को भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए।
इसके ठीक बाद हमें क्या रखना होगा बी, तो बी को हमने ऐड किया। अब हमें रखनी है क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या थी टीच यानी पढ़ाना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टॉट टी ए यू जी एस टी। फिर हमें यहाँ पर क्या रखना है बाय, और बाय के बाद इस हिम को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, बन गया आपका पूरा सेंटेंस लेट इंग्लिश बी टॉट बाय हिम। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैंने आपसे कहा होता कि लेट पापा कुक फूड, लेट पापा कुक फूड, तो हमारे पास सेंटेंस क्या है लेट पापा कुक फूड। अब आपको यहाँ पर एक बात माइंड करनी है कि इस लेट के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन, लेकिन लेसन नंबर 64 में मैंने आपको ये भी बताया था या तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन आएगा या पर किसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम भी ऐड किया जा सकता है, और जो पापा थे वो हमारे क्या हो गए नाम ही तो हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले लेट को कॉपी करना है, ये एक्टिव था इसको हम पैसिव बनाने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर नंबर डाल देना है, यानी हमारा ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद क्या हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देना है, तो यहाँ पर क्या कॉपी किया हमने फूड, फिर क्या आ जाएगा बताइए बी, और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने कुक्ड, और इसके ठीक बाद क्या आ गया बाय, और बाय के बाद यहाँ पर किसको पापा को ऐड कर देना है, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा लेट फूड बी कुक्ड बाय पापा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट देम प्ले क्रिकेट, तो हिंदी क्या निकलेगी उन्हें क्रिकेट खेलने दो, और अगर इसको पैसिव किया जाएगा तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय देम। अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट मम्मी सिंग अ सॉन्ग, तो हिंदी क्या होने वाली है मम्मी को गाना गाने दो, और पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा लेट अ सॉन्ग बी संग बाय मम्मी। यदि मैंने आपसे कहा होता लेट हर रीड द गीता, तो हिंदी क्या निकलेगी उसे गीता पढ़ने दो, और अगर इसको मैं पैसिव करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा लेट द गीता बी रेड बाय हर। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो रेड हो जाती है, स्पेलिंग तो सेम रहती है बट इसका प्रोनंसिएशन बदल जाता है और क्या बोला जाता है रीड रेड रेड। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।